नमस्कार आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सिंह दिल्ली का शराब घोटाला नए नए मोड़ ले रहा है अभी जो मोड़ आया है बिल्कुल अप्रत्याशित बिल्कुल इसकी कल्पना कि इतनी जल्दी इतनी तेजी से घटनाक्रम घूमेगा इसकी उम्मीद नहीं थी ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दूसरी और तीसरी चार्जशीट फाइल की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी इसे कह सकते हैं और इसमें नाम आया है राघव चड्ढा का हालांकि राघव चड्ढा इससे इनकार कर रहे हैं लेकिन सी अरविंद जो मनीष सिसोदिया के सचिव थे उनके बयान में राघव चड्ढा का नाम है उनके बयान में ये पहले से ही कहा जा चुका है कि ये बैठक जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी सरकारी आवास पर हुई थी अब जो सेकेंड और थर्ड चार्जशीट आई है उसमें राघव चड्ढा और संजय सिंह दोनों का नाम है अब आप समझिए राघव चड्ढा के आने के कई मतलब हैं और लेकिन उससे पहले एक बात आपको बताना ज़रूरी है कि जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की है उसमें ही कहा गया है कि जो नई पॉलिसी बनाने जा रही थी अरविंद केजरीवाल की सरकार उसका उसको जो पब्लिक डोमेन में डाला गया पब्लिक रिएक्शन के लिए उसके बाद फिर कैबिनेट नोट बना तो कैबिनेट नोट बनाया सी अरविंद ने जो मनीष सिसोदिया के सचिव थे उन्होंने कैबिनेट नोट बनाने से पहले न केवल जो पब्लिक रिएक्शन आया था उसको उसमें शामिल किया बल्कि लीगल ओपिनियन भी शामिल की और किन लोगों की दो प्रमुख नाम पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई उनसे कानूनी सलाह ली उन्होंने और उसके अलावा पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी उनकी सलाह ली दोनों ने मना किया कि जो पॉलिसी है अभी एक्साइज की उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए ये सब जो प्रस्ताव किया जा रहा है मनीष सिसोदिया ने जब उसको देखा तो वो उनको ये बात पसंद नहीं आई उन्होंने श्री अरविंद से कहा कि ये जो लीगल ओपिनियन है इसको कैबिनेट नोट से बाहर निकालिए दूसरा कैबिनेट नोट बनाइए और उसके आधार पर कैबिनेट नोट बना वो लीगल ओपिनियन बाहर निकाल दी गई केवल पब्लिक ओपिनियन जो थी उसके आधार पर यह कैबिनेट नोट तैयार हुआ लेकिन पब्लिक ओपिनियन में कहीं जो 12 परसेंट कमीशन और ये जो कार्टलाइजेशन हुआ है इस सब के बारे में जाहिर है कि नहीं होना था और नहीं था जो किया गया तो ये ये मामला जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बारे में भी नई जानकारियाँ आ रही हैं अभी तक तो था कि पैंतालीस करोड़ जो है वो रेनोवेशन में लगा पुराने मकान का जो जिसमें रहते थे और उसके रेनोवेशन में इतना खर्च हुआ एक करोड़ के पर्दे आए इतने का मार्बल आया वियतनाम से मार्बल आया ये सब कहानियाँ आ सामने आ रही थी अब एक नई कहानी सामने आई नई कहानी क्या नया तथ्य सामने आया वो ये है कि जो पुराना मकान था जिसको कह रहे थे कि बहुत जर्जर हो चुका था उसको दरअसल गिरा दिया गया ये नया मकान बनाया गया है और टेंडर में हर जगह रेनोवेशन की बात कही गई है कहीं ये ज़िक्र ही नहीं है कि नया मकान बन रहा है उस पुराने मकान को गिराकर कर वहाँ पार्क बना दिया गया है अब आप देखिए कैसे कैसे खेल अरविंद केजरीवाल उस समय कर रहे थे जब दिल्ली के लोग त्राही त्राही कर रहे थे किस लिए हॉस्पिटल बेड के लिए और ऑक्सीजन के लिए उस समय मुख्यमंत्री के पास समय था इन सब बारे में इस इन सब के बारे में बैठकों में शामिल होने का सुझाव देने का कहाँ से क्या आएगा कैसे कैसे इसको जो है टेंडर जारी किया जाए जिससे एलजी के पास न भेजना पड़े ये सब व्यवस्था कर रहे थे लेकिन असली बात तो ये है जो ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में है राघव चड्ढा का नाम आया राघव चड्ढा का नाम नहीं भी आ सकता था वो केवल बैठक में मौजूद थे वो फैसला लेने की स्थिति में नहीं थे लेकिन वो फैसले में शामिल थे तो राघव चड्ढा का नाम क्यों आया है इसको जरा समझिए ये बड़ी गंभीर बात है ये मामला केवल शराब घोटाले तक सीमित नहीं है इसके तार दूर तक जाते हैं राघव चड्ढा पंजाब के प्रभारी हैं उस बैठक में पंजाब के एक्साइज कमिश्नर भी थे और देखिए राघव चड्ढा पंजाब के प्रभारी हैं और उनका जिस तरह का दखल है सरकार में वो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पसंद नहीं है भगवंत सिंह मान की इन दिनों काफी मुलाकात हुई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जाहिर है कि पंजाब जो है वो सीमावर्ती राज्य है केंद्र सरकार उसको आम आदमी पार्टी के हवाले नहीं छोड़ सकती है ये देश की सुरक्षा का मामला है और देश की सुरक्षा का मामला होगा तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर बात होनी चाहिए और हो रही है भगवंत सिंह मान को बीजेपी ये समझाने में केंद्र सरकार ये समझाने में कामयाब रही है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले हैं पंजाब एक सीमावर्ती जो है राज्य है और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है वहाँ से हथियार नियमित रूप से आ रहे हैं द्रोण से हथियार और ड्रग्स गिराई जा रही हैं इसके बारे में मुख्यमंत्री को भी पता है गृह मंत्री को भी पता है और हमको आपको भी पता है और अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से केंद्र और राज्य ने एक दूसरे से कोऑपरेट किया सहयोग किया उसी वजह से उसकी गिरफ्तारी हो सकी तो चाहे खालिस्तानी तत्वों का मामला हो पंजाब में अवैध हथियारों का आना हो अवैध रूप से ड्रग्स का आना हो या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति हो इन सब मामलों में केंद्र और राज्य सरकार का रवैया आपस में उस तरह का नहीं है जैसा दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार का है तो अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार में जिस तरह से छत्तीस का आंकड़ा है उस तरह का आंकड़ा पंजाब की सरकार के साथ नहीं है क्यों क्योंकि भगवंत सिंह मान का वो स्वभाव नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का है भगवंत सिंह मान का कि वो महत्वाकांक्षा भी नहीं है जो अरविंद केजरीवाल की है और इस बात को समझिए भगवंत सिंह मान के कैप्टन अमरिंदर सिंह से बहुत अच्छे संबंध हैं पुराने संबंध है और कैप्टन अमरिंदर सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं तो इस इस एक्सिस को भी इस पर भी ध्यान दीजिए तो पंजाब की सरकार को भगवंत सिंह मान जो मुख्यमंत्री हैं उनको उनको अरविंद केजरीवाल से डिहाइफनेट करने के लिए उनसे अलग करने की रणनीति पर भी बीजेपी काम कर रही है और उसमें सफल होती हुई दिख रही है अरविंद केजरीवाल अभी घिरे हुए हैं अपने अपने घोटालों के चक्कर में शराब घोटाला मकान का घोटाला तमाम तरह के स्कूलों का घोटाला तो घोटालों की बाढ़ आई हुई है दिल्ली की सरकार के कामकाज को लेकर और तीसरी जो चार्जशीट है उसमें बता रहे हैं ये टाइम्स नाव की रिपोर्ट है मैंने वो चार्जशीट देखी नहीं है इसलिए दावे के साथ नहीं कह सकता वो तीसरी चार्जशीट में लिंक स्थापित करने की कोशिश हुई है केसीआर की बेटी के कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच के में अरविंद केजरीवाल तो इस पूरे घटनाक्रम के इस पूरे घोटाले के केंद्र में है ही क्योंकि मुख्यमंत्री हैं उनके घर पर बैठक हुई उनकी जानकारी में बैठक हुई उनको उनको जब आदेश जारी हुआ जब ये पॉलिसी बनी तब सब कुछ पता है तो भले ही एक्साइज डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास रहा हो लेकिन अरविंद केजरीवाल उससे पूरी तरह से अछूते हैं इस सारे फैसले से ये कहना ये बचाव करना उनके लिए अपने लिए बड़ा मुश्किल होगा अरविंद केजरीवाल आप देखें कि किस तरह से घेरा उनके इर्द गिर्द कस रहा है दो पूर्व मंत्री जेल में है पहले से अब तीन और लोगों का नाम आया है विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल जिसको अपना बच्चा बताते हैं वो पहले से जेल में है उसने क्या बयान दिया है उसके अलावा जिन बाईस लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके बयान और वो उनके बयान के समर्थन में जांच एजेंसियां किस तरह का सबूत और प्रमाण ले आती हैं इस पर निर्भर करेगा कि कौन कौन और जेल जाएगा तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जल्दी ही उनको नए लोगों की कंपनी मिलने वाली है जल्दी ही दूसरे साथी मिलने वाले हैं और जिस तरह से ये सिलसिला चल रहा है मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय बैठक जो है वो तिहाड़ जेल में हो सकती है तो शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल के गले का पत्थर बन गया है वो गले का पत्थर वो उतार नहीं पा रहे हैं बड़ा हाथ पैर मार रहे हैं बड़ी कोशिश कर रहे हैं और जैसे जैसे उसको उतारने की निकालने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वैसे और फंसते जा रहे हैं उनके दूसरे साथी भी फंसते जा रहे हैं अब आप रवैया देखिए संजय सिंह ने ईडी और सीबीआई के खिलाफ जो है वो केस करने की धमकी दी है शायद केस कर भी दिया है एफ वगैरह या शिकायत कुछ दर्ज भी कराई है अरविंद केजरीवाल जब पूछताछ के बाद निकले थे तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो ईडी और सीबीआई पर के खिलाफ मुकदमा करेंगे कि वो झूठा केस चला रहे हैं सवाल ये है कि अगर आप ईडी और सीबीआई पर मुकदमा करेंगे तो इसका मतलब है आपको अदालत पर भी करना पड़ेगा क्योंकि अदालत ने अपने आदेश में मनीष सिसोदिया को बेल देने से इनकार करते हुए कहा है कि ये किंग पिन है इस पूरे घोटाले के इसलिए इनको ज़मानत नहीं दी जा सकती जिस घोटाले का किंग पिन बता रही है अदालत मनीष सिसोदिया को उस घोटाले के बारे में अरविंद कह रहे हैं कि ये काल्पनिक है या है ही नहीं तो जाहिर है कि फिर तो अदालत के खिलाफ भी मुकदमा करना होगा अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आ रहा मुझे नहीं लगता कि वो अपने पूरे जीवन में राजनीतिक जीवन ही नहीं उसके अलावा गैर राजनीतिक जीवन में भी इस तरह के संकट में कभी फंसे थे और ये ये एक तरह से उनके इर्द गिर्द दलदल सा बन गया है जिसमें जितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना और धसते जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाला समय और बुरा होने वाला है केवल शराब घोटाले के कारण नहीं दूसरे घोटालों के कारण लेकिन उनका जो मकान का घोटाला है वो उनके लिए और ज्यादा भारी पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत उनका मामला है एल ने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि इससे संबंधित सारे कागजात सारी फाइलें सुरक्षित रखिए और इसकी जांच का आदेश दे दिया है जांच की रिपोर्ट पंद्रह दिन में कहा गया था एलजी की ओर से चीफ सेक्रेटरी पंद्रह दिन में जांच रिपोर्ट उनको सौंपे हैं और आप मान कर चलिए कि जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर उसमें कुछ अनियमितता एलजी को दिखाई देती है तो ये मामला भी सीबीआई को सौंपा जा सकता है तो सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और केस होगा जिसमें मुख्य रूप से उनकी भूमिका होगी इसमें वो कह नहीं सकते कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि जो घर बना है उसमें वही रह रहे हैं उसको बड़ा बचा कर रखते हैं जल्दी उसकी कहीं फ़ोटो आने नहीं देते हैं अंदर क्या क्या है ये बताने नहीं देते हैं तो ऐसा घर बनवाया है जिसको छिपा कर रखना पड़ रहा है ये पहला देश का मुख्यमंत्री होगा जो अपने सरकारी आवास को छिपा कर रखता है तो अरविंद केजरीवाल जहाँ से चले थे जाते थे जापान पहुँच गए चीन समझ गए ना वही हालत उनकी है कहाँ के लिए चले थे और कहाँ पहुँचे और जो जिस स्थिति में आज हैं वहाँ जो कांग्रेस के नेताओं मंत्रियों के खिलाफ 2011-12 में जो आरोप लगाते थे उससे ज़्यादा आरोप उनके खिलाफ हैं उससे ज़्यादा प्रमाण उनके खिलाफ हैं वो तो घोषणा करते थे सिर्फ कि सरकार में आने दीजिए सत्ता में आने दीजिए आते ही एफ आई गिरफ्तारी कराऊँगा मुकदमा चलाऊँगा कुछ नहीं किया उनको मालूम था कि उनके पास कुछ है नहीं वो भ्रष्ट हैं कि ईमानदार हैं उसके बारे में मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास उनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं था वो सब झूठ बोल रहे थे और इसमें अरविंद केजरीवाल को महारत है गाड़ी नहीं लूँगा बंगला नहीं लूँगा सिक्योरिटी नहीं लूँगा कांग्रेस का समर्थन नहीं लूँगा सब किया जो जो कहा नहीं करूँगा वो तो ज़रूर किया कुछ लगता है सलमान खान से प्रभावित है सलमान खान का जो डायलॉग है लगता है उस पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से अमल करते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं करूंगा वो तो ज़रूर करते हैं और जो कहते हैं करूंगा वो तो करते ही है तो इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल अपने ही कुकृत्यों से लगातार फंसते जा रहे हैं शराब घोटाला उनके आसपास के कई लोगों को ले जा चुका है लील चुका है अब उनकी बारी है फिर कह रहा हूँ नंबर सबका आएगा और अब तो आ क्या है दरवाजे पर दस्तक दे रही ई डी अब इससे ज़्यादा नज़दीक और क्या आएगा अब इसके बाद तो अगला कदम तो यही है गिरफ्तारी हो जेल भेजा जाए वो कब होगा ये तो जांच एजेंसी बता सकती है और जांच एजेंसी कब और कहाँ बताएगी जांच एजेंसी कब बताएगी पता नहीं है। लेकिन बताएगी तो अदालत में ही बताएगी तो अदालत में बताएगी तो हमको आपको भी पता चलेगा तब उसकी फिर बात करेंगे तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनुमति दीजिए आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नमस्कार